बढ़ते हैं आगे। सरकार ने बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मूंग योजना की शुरुआत की, जिसके तहत स्कूल में बच्चों को मूंग दी जा रही है, लेकिन धार जिले में घटिया क्वालिटी की मूंग वितरित किए जाने की वजह से इस पूरी योजना को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाली इस प्रोटीन डाइट की क्वालिटी इतनी खराब है कि ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस मूंग में मिट्टी और कंकड़ की भारी मिलावट है। जिले में 2,29,000 बच्चों को योजना के तहत मूंग बांटा जाता है, तो जिला प्रशासन को जब इस बात की खबर लगी तो तुरंत जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। आला अधिकारी अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आज ये सुबह समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है ये जो मूंग को बताया गया है, और इसके लिए अधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है, और उसकी मूंग की जितनी भी है, जो भी मूंग के अलावा जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न जो भी रहता है, सभी खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, और जो शिकायत आज प्राप्त हुई है सुबह उसके लिए दल बनाकर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता रेणु अग्रवाल जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अब रेणु, क्या जानकारी मिल रही है? कार्रवाई की बात तो अधिकारियों की ओर से कह दी गई, क्या कार्रवाई अभी शुरू हुई है? जी नहीं, एक ये जो अब खबर आई उसके बाद जो है कलेक्टर ने एक कमेटी गठित की है, उसमें अधिकारियों को बुलाया गया, चूंकि आज शनिवार था, कई अधिकारी छुट्टी पर थे, लेकिन कलेक्टर ने सभी को बुला के एक कमेटी गठित कर दी गई, और ये कमेटी जांच करेगी इस पूरे जो राशन की है। और कलेक्टर ने ये भी कहा है कि मूंग के अलावा जो भी राशन अवेलेबल है, उपलब्ध होता है, उन सब की जांच कराई जाएगी। बिल्कुल। और रेणु, ये शिकायत तो काफी दिनों से होती आ रही होगी, जब से योजना की शुरुआत हुई होगी, अगर इस तरह की क्वालिटी आ रही है तो पहले से ये सिलसिला चला आ रहा होगा। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो मूंग है कल बांटा जाना था, लेकिन हाँ। कल राशन की दुकानों पर ये मूंग गया नहीं, पहुंचा नहीं, तो इसका कारण जो है मीडिया ने ही पता लगाया। जब मीडिया वेयर हाउस पे पहुंचा तो वहां पे पता लगा कि जो 2.5 लाख बच्चों को जो ये मूंग बटना था और तकरीबन 2100 मेट्रिक टन जो ये मूंग आया था उसमें से बाकी तो बट चुका था, ये जो खराब मूंग है, लेकिन उसमें से 480 जो क्विंटल मूंग है वो बचा हुआ था, उसको बांटा जाना था, लेकिन खराब क्वालिटी की वजह से जो है इसको रोक दिया गया और बच्चों को नहीं बांटा गया, और कल जो राशन की दुकान से बटने वाला था वो नहीं बटा। और इसके पूर्व जो मूंग बटा है उसकी जानकारी नहीं आई है कि वो मूंग कैसा था, चूंकि अब ये मीडिया में सुर्खियां बटोरेगा कि ये मूंग जो है घटिया आया हुआ है, तो हो सकता है कि बच्चों के माता पिता जो बांटा गया मूंग है उसकी भी शिकायत करते नजर आए। बिल्कुल रेणु, ये मानकर चलें कि जो मूंग पहले से बढ़ चुका है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अब उन बच्चों से भी जानने की कोशिश होगी, क्योंकि कमेटी यहां पर गठित हो गई, कमेटी के जो सदस्य होंगे अब सर्वे करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरी कमेटी ये भी बच्चों से सर्वे करेगी, मूंग को चेक करेगी, और इतना घटिया जो मूंग है वो हरदा और देवास जिले से आया हुआ मूंग है जो कि वितरण किया गया, और मीडिया में आने के बाद 480 बैग जो है वो उसके रोक लिए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इतना जो घटिया मूंग जो आया हुआ है वो मतलब क्या देवास और हरदा में जो खरीदी कमेटी थी उन्होंने क्या चेक नहीं किया, और जब यहाँ धार के वेयर हाउस में आया तो विपणन संघ की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उस मूंग को चेक किया जाना था, लेकिन जब मीडिया में यह मामला सुर्खियों में आया तब इस मूंग को चेक किया गया। हमने भी आज इसको चलनी लगा के देखा तो इसमें 50% जो है इस मूंग में कंकर पत्थर थे, और बहुत ही घटिया क्वालिटी का मूंग था ये। बिल्कुल, बहुत ही घटिया क्वालिटी का ये मूंग है, अब जांच का विषय है। रेणु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।